आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं तरल विज्ञान। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। तो राइट आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है, डिप्थीरिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आँख, हृदय, आँत, मस्तिष्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आँख। किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे श्वसन नलिका, हृदय, मस्तिष्क, पेट। आपका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। हेजे के टीके की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड राय, क्रिस्टन वर्नाल्ड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टन वर्नाल्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है? तो यह आपके ऑप्शन है 0.1 bar के 0.0 1.0 bar के 10.0 bar के 2.0 bar के। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.0 bar के। सिनकोना पौधे में के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है तने की छाल से, फूल से, फल से, पत्ती से। आपका राइट आंसर हो जाएगा तने की छाल से। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। आपके ऑप्शन है जे जी मेडल, हेकल, सर रोनाल्ड रॉस, डार्विन। आपका सही उत्तर हो जाएगा सर रोनाल्डो रॉस। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया है? आपके ऑप्शन है जी टेलर ने, ई हटिंगटन ने, डी आर स्टोर्ड ने, टॉन्स्टेल ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टॉन्स्टेल ने। कार्य चलाते समय आपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। गुरुजल क्या है? तो गुरुजल आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बा नवजात ऑक्सीजन, हेवी हाइड्रोजन प्लस हेवी ऑक्सीजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन। हल्दी के पौधे का खाने लायक भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन है जड़, रकंद, फल, कंद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रकंद। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? नहीं है। आपके ऑप्शन है स्टील, पीतल, ब्रोंज, तांबा। आपका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? आपके ऑप्शन है हार्ड कांच, फ्लैट कांच, पाइरेक्स कांच, बोतली कांच। तो आपके आंसर हो जाएगा पाइरेक्स कांच। दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सेक्सेंट, टेलिस्टार, स्फेरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेक्सेंट।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।